लास्ट वीडियो में ना नीचे का आपको दिख नहीं रहा था, ओके तो लेकिन फिर भी मैंने आपको मीनिंग बता दिया था, लेकिन वो आपको दिखा नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है, ओके क्योंकि ना फिर जूम नहीं हो पाता है कैमरा, अगर मैं नीचे का भी कवरअप करूँ तो वो जूम नहीं हो पाता है ज़्यादा, इसलिए मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया है अब की बार, ठीक है। तो है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल एंड रीजन, हाउ इन्फिनिटी इन फॉलिटी, मतलब जो मनुष्य है वो कितना अच्छा है तर्क देने में और दोष करने में तो महान है, अनंत है, मतलब कि खुद तो गलत काम कर देगा, अनंत है वो, ठीक है, लेकिन तर्क देने में और भी महान है कि मतलब तुमने गलत किया तुम्हें ऐसे करना चाहिए तुम्हें वैसा करना चाहिए, पर खुद क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्ले द थिंग वेयर आई विल कैच द कॉन्शियस ऑफ द किंग, ये भी मैंने आपको लास्ट में मीनिंग बता दिया, बट ये दिख नहीं रहा था इस वजह से मैंने इसको दोबारा लिख दिया है। इसका मतलब है कि जब उसको पता चला कि मेरे चाचा ने ही मेरे पापा को मारा है, मतलब सांप से उन्होंने ही कटवाया है, ठीक है, तो अब वो क्या करना चाहता है कि उसको लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहता है, क्योंकि सब लोग उसको ग्रेट समझ रहे हैं कि वो राजा बन गया है, वो महान है, ये वो, तो वो उसके विवेक है जो वो फेमस हो रहा है, जो लोग उसको अच्छा मान रहे हैं, उसको पकड़ना चाहता है। तो यहाँ का मतलब है कि वह खेल खेला जाए, मतलब ऐसा खेल खेलो कि जो राजा है मैं उसका विवेक पकड़ सकूँ, ये हैमलेट ने बोला है। नेक्स्ट वन इज़ टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ अ क्वेश्चन, मतलब होना या ना होना ये भी अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है स्वीट टू द स्वीट फेयरवेल, अब फेयरवेल का मतलब होता है विदाई, मतलब जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह में होता है, मतलब कि प्यारी से भी प्यारी विदाई, ठीक है। नेक्स्ट है द कैट विल म्याऊ एंड द डॉग विल हैव हिज डे, मतलब जो बिल्ली है वो म्याऊ बोलेगी लेकिन जो कुत्ता है दिन तो उसका ही होगा ना, मतलब कुत्ता बिल्ली के डर से अपना काम या अपना रास्ता तो नहीं छोड़ देगा, ठीक है। बिल्ली भले ही म्याऊ म्याऊ करती रहे लेकिन जो डर है, जो एक रुतबा है, वो तो कुत्ते का ही होना है, ठीक है। लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू, मतलब आप बहुतों की सुनो लेकिन बोलो बहुत कम, और बहुत कम लोगों से और बहुत कम बोलो लेकिन सुनो सबकी। ओ व्हाट अ रज एंड प्लीजेंट स्लेव एम आई, ये हैमलेट बोलता है कि मतलब कि मैं कितना दुष्ट और खुश मिजाज गुलाम हूँ, ठीक है। गॉड हैड गिवन यू वन फेस एंड यू मेक योर सेल्फ एनदर, ये भी हैमलेट बोलता है कि जो भगवान है वो आपको एक फेस देते हैं और सबको देते हैं, ठीक है, मतलब सबको ऊपर से एक बहुत ही अच्छा इंसान जिसको कुछ नहीं पता सही गलत बना के भेजते हैं, लेकिन आप खुद को एक दूसरा ही इंसान बना लेते हैं, दूसरा फेस बना लेते हैं, ठीक है। गॉड हैव गिवन यू, ये हो गया वट एवर, सॉरी आई थिंक गॉड वाला आपको क्लियर नहीं है, ओके अब आपको दिखेगा, गॉड हैव गिवन यू वन फेस एंड यू मेक इट योरसेल्फ एनदर, ओके तो इसके दो तीन और रह गए हैं, ठीक है, तो वो भी मैं कवर करा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि फिर मैं फ़ोन छोड़ूंगी तो फिर ये जूम कर रखा है तो ये ऊपर हो जाएगा, ओके अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।